ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाई गई 4 सदस्यीय कमेटी घर घर जाकर सर्वे कर रही है। इस दौरान टीम के सदस्य परिवार के सदस्यों का शारीरिक तापमान व ऑक्सीजन लेवल जांच कर रही है, ताकि कोरोना के लक्षणों के व्यक्ति की समय रहते पहचान कर उसे आइसोलेट कर उसका इलाज किया जाए और कोरोना के बढ़ते संक्रमण को भी रोका जा सके। आशा वर्कर बेबी रानी और मेरे साथ जो ड्यूटी कर रहे हैं टीचर अरविंद, आंगनबाड़ी वर्कर अंजुवाला, तो डिपार्टमेंट की तरफ से जो टीम बनाई गई है वो 4 मेंबर की टीम है और वो फील्ड में जाके घर घर सर्वे कर रही है, जिसमें शरीर की ऑक्सीजन और शरीर का तापमान जो है वो देख रहे हैं। अगर किसी का तापमान कम है या बहुत ज़्यादा बढ़ रहा या फिर ऑक्सीजन लेवल कम है तो उसको तुरंत हम रेफर कर रहे हैं। जो हमारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर बैठे हैं वो तुरंत ही इनका चेकअप करके इनको जो स्वास्थ्य सुविधा है वो मुहैया करा रही है। तो गाँव में कोई ऐसा पेशेंट नहीं मिला कि जिसकी ऑक्सीजन लेवल कम है या फिर टेम्परेचर कम है, वैसे बिल्कुल ठीक है। अभी तो आगे सर्वे जारी कर रहे हैं, 10 दिन का ये सर्वे है, 10 दिन हमें हर घर घर जाके सर्वे करना है। 40% हो गया और 40% में कोई ऐसा पेशेंट नहीं मिला जो हमें रेफर करने की जरूरत पड़ी है। देश दुनिया दी ताज़ा खबरां दे लई हुणे प्ले स्टोर तो डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म दे उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक दे उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत, ते हां नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलणा। इन्ना ही नहीं, हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है। ट्विटर के उत्ते खबरां दे लई फॉलो करो डेली अजीत ते इंस्टाग्राम दे उत्ते खबरां दे नाल नाल वीडियो देखण दे लई फॉलो करो ब्लू टिक वाला साडा ऑफिशियल चैनल डेली अजीत। इना ही नहीं, अजीत दे वीडियो हुण तुसीं एप्पल टीवी दे उत्ते भी वेख सकदे हो ते नाल ही अजीत अखबार दा डिजिटल एडिशन पढ़न दे लई डाउनलोड करो अजीत ई पेपर ऐप। तुहाडा अपना भरोसेयोग चैनल, तुहाडी अपनी आवाज़, पंजाब दी आवाज़ अजीत।